ये सच है, बोलो ये सच है, ये सच है, ये सच है। उसके बाद बाबू भैया धिक्कार है मेरा जीवन, धिक्कार है मेरा जीवन, मेरा हर काम अभिशापित है। दर्शन दो, दर्शन दो, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, दर्शन दो। बाबू भैया ठीक पढ़ा? अरे एक्सप्रेशन कहा है, एक्सप्रेशन लॉ। अच्छा जैसे मैं करता हूं वैसे कर। सब सच है, सब सच है ना बोलो। अरे ललित भैया आप कब आए? मैंने देखा नहीं, सॉरी। अरे ठीक है ठीक है, तुम लोग करते रहो, मैं तो बस ऐसे ही बैठ रहा। अभी आप आ गए हो ना, तो थोड़ा गाइड करो ना हमें, थोड़ा बताओ। अरे नहीं नहीं, मैंने तो इसको कब का छोड़ दिया है। अरे क्या बात करते हो ललन भाई, ये है स्क्रिप्ट, एक बार करके दिखा दीजिए ना। राजा ओलिपस कर रहे हो ना, 1960s, सारे देश में नाटक की दुनिया में एक नई दौर शुरू हुई थी। मुझे आज भी याद, एक से बढ़कर एक नाटक था, कन्नड़ में गिरीश कन्नड़, मराठ में विजय तेंदुलकर, बांग्ला में बादल सरकार और हिंदी में मोहन राकेश। एक बार इलाहाबाद नाट्य अकादमी में ये राजा ओडिपस समूह मित्र ने मंचस्त किया था, मैं कभी नहीं भूल सकता। चलो एक बार कोशिश करके देखता हूं। यहाँ कलकत्ता में एक फैक्ट्री में नौकरी मिली,
सोचा है, कलकत्ता में तो बहुत सारे थिएटर ग्रुप है, काम के साथ साथ अपने शौक को भी जिंदा रखा, तो फिर कलकत्ता चला है। वो बड़ा अच्छा समय था, मेरा अफसर साहब मुझे बहुत पसंद करते थे, बस वही पुराना रूटीन चालू हो गया, दिन में काम, शाम को और छुट्टी के दिन सिर्फ अभिनय कर। अपने नाटक दल खोलने का प्रयास भी शुरू कर दिया था मैंने। फिर समय ने ऐसा पलटा खाया कि क्या बताएं। फैक्ट्री बंद हो गई और प्रोविडेंट फंड का पैसा भी नहीं मिला, तब से जिंदगी का संघर्ष चल रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे धंधे किए पर कुछ जम नहीं रहा, भूखे पेट खोए ना भजन गोपाल। चलो छोड़ो, जाने दो इन बातों को, नहीं तो देर हो जाएगी और देर हो जाने से बाजार भी बंद हो जाएगी और बाजार बंद हो जाने से मेरी बीबी आमिया मुझे बहुत डांटेगी। तुम लोग बहुत अच्छे से बहुत शिद्दत से रिहर्सल करते रहो और याद रखना कोई भी रोल छोटा नहीं होता। अपने अभिनय से दर्शकों को मंच मुक्त कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। चलता हूं ना, चलता। भैया अभी करना है क्या? अरे समय खराब मत करो, जैसे ललन भैया ने कहा है बस वैसे ही कर। ये सच है अपोलो, ये सच है। धिक्कार है मेरा जीवन, मेरा हर काम अभिशापित है। दर्शन दो। सभा में इसी अंगराज कर्ण ने भारत कुल बहु द्रौपदी को
वेश्या कहा था? भूल गए 4 दिन पहले की वो घटना? युद्ध का नियम पालन करते हुए इस यंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था, तब वो भी पैदल था। मुझे मुझे ना आज भी वो स्टेज की लाइट्स और दर्शकों की तालियों की आवाज सुनाई देती है। बोल रहे थे कि कुछ जरूरी काम है, लगता है वही आए हैं। दरवाजा खोलो। अरे क्या हाल है भाई? बस चल रहा है मजे में, आप बैठिए। और क्या चल रहा है? बस जिंदगी मन में मजा है। आप मेरे सिर्फ 3 घर दूरी में रहते, अरे भाई आपका तो दर्शन ही दुर्लभ है। अरे भाई आज तेगोश बर्थडे की छुट्टी है तो चला है, और क्या बताऊं ऑफिस के काम से इतना बिजी रहता हूं, सुबह जल्दी जाना होता है और आते आते देर हो जाती है। खैर आज मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आया हूं, ओके? वो ये कि कल मेरे घर मेरे छोटा साला बाबू आए थे, और ये वही है जो फिल्मों में एक्टर्स सप्लाई करता है, और जानते हो क्या, उसे आजकल एक मेल एक्टर की तलाश है जो करीबन 50 साल का हो, कद छोटा हो और देखने में भोला भाला हो। उसका ये कहना और मुझे तुरंत तुम्हारा ख्याल आया, और मैंने जो है उसको तुम्हारा एड्रेस दे दिया, वो तुम्हें आज मिलने आए, और हाँ पैसे भी कैश में देगा, समझे? अरे भाई कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे यार एक्टिंग एक्टिंग कर लेते हो कि नहीं? मेरा मतलब है कि उसे आने तो दो। वैसे उसका नाम क्या है? भाई नाम है नरेश, नरेश दत्ता। करीबन 40 वर्ष का है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट भी। तो शाम को आएगा 10:30, ठीक है? तुम कहीं जा तो नहीं रहे, घर ही पर हो ना? मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर ठीक है, मैं चलता हूं और मुझे बताना कि क्या हुआ। हाँ ओके, चलो ऑल द बेस्ट। निशिकांता बाबू क्यों आए? वैसे तो दिखते नहीं, आज सुबह से ऐसा क्या काम पड़ गया कि दो बार गली चले आए? अरे वो निशिदा का साला बाबू तो फिल्म लाइन में कोई रोल है, एक्टर ढूंढ रहा, मुझे काम दे सकता है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या रोल है। अगर साला बाबू तुम्हें पसंद करेंगे और रोल देंगे, मेरा मन कहता है कि साला बाबू तुम्हें रोल देंगे, तुम्हारे जैसा एक्टर उन्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मगर गरम कोट। गुड, सीन सर्दियों का है, सही रहेगा।
ठीक है तो फिर कल 9 बजे। अरे आप सुनते नहीं है, 9:30 बजे शाम सैटरडे को, ठीक है? अच्छा भाई साहब, ये रोल में कोई डायलॉग भी है क्या? हेलो, डायलॉग आपने पहले कभी एक्टिंग की है? हाँ, मैं तो थोड़ा थोड़ा एक्टिंग। अगर ये रोल सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन का होता तो मैं ये सड़क में से किसी को भी उठा सकता था, तो उसके लिए मैं आपके पास क्यों आता? ये डायलॉग की पूरी किताब है, कल मिल जाएगी आपको, ठीक है? चलो। साला आपका क्या था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बस ऐसे? हाँ बस ऐसे। अमिया, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रोल नहीं है और पैसे भी ज्यादा नहीं, पर उससे क्या बड़ी बात यह है कि ये फिल्म का रोल है। तुम्हें याद है मेरा पहला नाटक? वो क्लब प्रेसिडेंट का मुझसे मेडल देना और नगर पालिका के अध्यक्ष रामलाल का मुझसे हाथ मिलाना, वो मान, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा, हे मिया भागिनी, सभी प्राप्त होगी अगर मैं जिंदा रहा। अरे क्या कर रहे हो, बुढ़ापे में अपनी हड्डी पतलियां? अरे चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से चाय और समोसा नहीं खाया, मिलेगी क्या? और थोड़ा सा अदरक का रस गले के लिए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ I don't know.
रनिंग धन चक्कर सिंह भाई टेक वन एक्शन कट What a fantastic shot! Oh.
थिएटर में कला की इज्जत थी। थिएटर थिएटर गुरुजी 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 ललन, क्या तुम मेरी बताई हुई बात को भूल गए हो? मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि रोल कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा रोल भी करने में कोई शर्म नहीं है। तुम सफल एक्टर तभी बन सकते हो जब तुम एक छोटे रोल को भी पूरा निचोड़ के अपने दर्शकों का मनोरंजन कर सको। नाटक तभी सफल होगा जब नाटक का हर किरदार अपने रोल को पूरा ईमानदारी और मेहनत से करे। नाटक एक पेड़ के उस फल की तरह है जो लोगों की पहुंच से बाहर है। कुछ लोगों को अगर फल मिल भी जाता है तो उन्हें उससे रस निकालना नहीं आता है। कलाकार का काम है कि उस फल को तोड़े, साफ करे, छीले, उससे रस निकाले और फिर अपने दर्शकों को उस मीठे रस का स्वाद कराए। माफ कर दो, जो आपने मुझे हाथ पकड़ कर सिखाया वो मैं कैसे भूल सकता हूं। मैं आपका कभी भी अनादर नहीं करूंगा। मैं इस रोल को करूंगा, जरूर करूंगा। इस शब्द को तो नाना प्रकार से बोला जा सकता है और हर एक प्रकार की उच्चारण इंसान के अलग मेंटल स्टेट को दर्शाता है। जब किसी को चोट लगता है वो बोलता है आ, गर्मी में ठंडा पानी पीने के बाद बोलता है आ, दोनों बिल्कुल अलग। वो गहरी सांस की वो आ अभिमानक की आ, एक छोटी आ, एक बड़ी आ, आ नरम आवाज में आ, कड़क आवाज में आ, चिड़चिड़ाहट में और पीछे की स्वर से ऊपर की स्वर तक ले जाती हुई आ। आश्चर्य, ये तो सोने की खान है। गुरुजी, आज मैं इस एक शब्द से बाजी मात कर दूंगा, इस एक शब्द से बाजी मात कर दूंगा। गुरुजी, भाई साहब जाइए, इधर इधर शूटिंग होगा ना, शॉट लेने में पड़े, थोड़ा जाइए, थोड़ा पीछे पीछे भी, और बच्चा को तरह भाभी थोड़ा पीछे। भाई भाई, मेरा शॉट में और कितना वक्त है? अब इतने इंप्रेशन क्यों हो रहे हो? मैं बताया आपको बुला लूंगा, आप चुपचाप बैठ खड़े हो जाओ, आधा एक घंटा और लगेगा। ओ भाई साहब भाग मत जाना। अरे नहीं नहीं, मैं कहा साइलेंस, स्टार्ट साउंड, रनिंग, स्टार्ट कैमरा, रनिंग, एक्शन। रोल ठीक से करने के लिए रिहर्सल की तो जरूरत पड़ेगी, ये लोग तो प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं। मैं ही अपने आप में कुछ कर लेता हूं। Thank you.
क्या करना है? हाँ हाँ सर। अच्छा देखिए, मैं एक बार आपको फिर समझाऊं। आप उस बिल्डिंग की तरफ से चलकर इधर लैंप पोस्ट की तरफ जाए और चंचल कुमार उधर लैंप पोस्ट से ऑफिस की तरफ। आपको ध्यान रखना है कि आपकी टक्कर यहाँ फुटपाथ पर होनी चाहिए, ठीक है? जब टक्कर होगी तब आप बड़ा न गुस्सा चारण आश्चर्यचकित भाव से बोलेंगे, चंचल कुमार आपको देखे बिना ऑफिस की तरफ चलेगा। आज के लिए शॉट यही खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। एक बार रिहर्सल कर ले क्या? बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बादल आ रहे हैं और बहुत सारे शॉट खत्म करने हैं, ठीक है? चलो रेडी करो। सर और एक बात, मैं सोच रहा था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मैंने उनको देखा नहीं। गुड आइडिया प्रशांत। हाँ सर। इनको एक मैगजीन दे दो, ठीक है? ये लीजिए। सर और एक बात। अब क्या है? मुझे क्या लग रहा है कि इस कैरेक्टर को बाहर लाने के लिए एक मूंछ की आवश्यकता होगी, आपको क्या लगता है? हाँ सर। कौन सा दे दो सर? बुश जी पी आप कितनी? कितनी दे दो? ये पकड़। ये अच्छा है, अच्छा है। बेटा ये टक्कर में गिरेगी तो नहीं? टक्कर दारा सिंह से भी कुश्ती लड़ोगे ना? गिरेगी नहीं। ये देखो आप एक्टिंग से, एक्टिंग से कॉन्सेंट्रेट करो। राइट, जल्दी करिए। राइट, राइट, स्टार्ट ऑन रनिंग, स्टार्ट कैमरा रनिंग, धन चक्कर सीन ए टेक वन एक्शन। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूंगा, ठीक है ना? वेल डन, गिव इट अप, लेट्स गो।